नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट जो मैंने जो एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और सबसे पहले देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, डेटा देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग एनालिसिस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बाद एनालिसिस करके बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या मेरा किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे वो आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, और जो है इसमें कितने कहाँ कहाँ पर जो ट्रेड करने का मौका मिला था और किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 2 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड करते हैं, और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर प्राइसन क्लियर कट यहाँ पर दिखता भी है। तो उसी को जो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं उसको, और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस को जो है आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आसान हो जाता है। ठीक है, तो कल के समय में हम लोग एनालिसिस जो किए थे, सबसे पहले चले जाते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो इसी आपको पता होगा कि यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो चुका था। 5 वेव के बाद जो है यहाँ पर 6ठी 8वीं वेव यहाँ पर लगाया था। 8वीं वेव के बाद जो है पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था और इस लो के आसपास यहाँ पर आकर के इस तरीके से ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो अपना पॉइंट यही था कि यहाँ पर अगर इस लो 818 के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग सेल ओनर आइज के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर इसी पॉइंट पे खुल करके अगर अचानक से रेड कैंडल भी बनाता है तो उसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर देंगे, और जो प्रीवियस डे का जो डे हाई रहेगा वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लोग ले करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, गैप अप खुल करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, जा करके देखिए इसके ऊपर जा करके ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर जा करके क्लोज नहीं किया। जो प्रीवियस डे का जो हाई था उसके ऊपर डंडी जाकर के बनाया और फिर जाकर के नीचे से क्लोज किया। वहाँ पर सेलर जो बहुत ज़्यादा वहाँ बैठे थे, और कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि कॉल को बहुत हैवी यहाँ पर बेचा जा रहा है। अगर 818 के नीचे निकला बहुत बड़ा आपको जो है सेलिंग देखने को मिलेगा। और जाकर के देखना था, अगर वीडियो नहीं देखना जाकर के थंबनेल में जाकर के देख लेना, हम लोग वहाँ पर पहले बता दिए थे कि सेलिंग आने वाला है, इसके लिए आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग सेल ओनर आइज के स्टेज पर इस तरीके से काम करना था। अब देखेंगे कि यहाँ पर पिछला जो है नया हाई लगाते हुए ऊपर कैसे निकल रहा था, लास्ट में जाकर के नया हाई लगाना बंद कर दिया। यहाँ पर जो है पिछला नया हाई लगाना बंद कर दिया, यहाँ पर बेरिश वेरिएशन बनाना कोशिश जो शुरू कर दिया, और नीचे से ब्रेक डाउन किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोल आपको देखने को मिला। ठीक है, बहुत अच्छा पोजिशनिंग मिला, सेटअप भी बना। लेकिन देखिए सेटअप सेलिंग तो आता है, और कोई बता देगा सेलिंग आने वाला है, बाइंग आने वाला है, लेकिन किस सेटअप पर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, किस सेटअप पर आपको जो है ट्रेड का प्लान करना है। इसके नीचे हम लोग डिसाइड किए थे, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करता था, हम लोग यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बेरिश प्राइसन बनाते हुए ब्रेक सर आया, पिछला हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया, रिस्पेक्ट दिया, नया लो लगाते हुए आरा करके नीचे ब्रेक डाउन किया। अगर इस पॉइंट पर भी आपको सेलिंग का प्लान करते हैं इस पॉइंट पर भी, तब आपका स्टॉप लॉस ये रहता, आपका जो स्टॉप लॉस था यही रहता। मेरा सजेशन यही था कि इसके नीचे निकलने देना, इसके नीचे निकलता और इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे कि एक लेवल को स्ट्रॉन्ग लेवल जो बन रहा था, जो कि 818 का जो लेवल था, यहाँ पर हम लोग कल डिसाइड किए थे बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, उसको नीचे ब्रेक डाउन किया है, तो हम लोग यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करते, इस पॉइंट पर भी सेलिंग का प्लान करते तो भी आपका स्टॉप लॉस यही था। लेकिन हम लोग को जो है अपना सेटअप जो बन रहा था इस पॉइंट पर, सेटअप अपना ये बन रहा था कि इसके नीचे निकालेगा, यहाँ पर बेरिश प्राइसन इस तरीके से बना रहा था। मार्केट का ट्रेंड ऑल्ड ओवर क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था, और नेगेटिव होने के बाद नेगेटिव पैटर्न भी बना रहा था। ठीक है, इसके नीचे आया इस तरीके से, फिर यहाँ पर कैसे इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे एक सिर आया इसी लेवल के पास है, फिर से कोशिश किया लेकिन इसी हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, और फिर से नीचे एक सिर आया, इसलिए लेवल को ब्रेक डाउन नीचे के सेट कर दिया। ये अपना स्टॉप लॉस था, और नीचे के सेट सेल ऑन राइज के एंट्री पे हम लोग को जो है काम करना था इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर भी नहीं ले पाए तो एक देखिए एक यहाँ पर बना बहुत बेहतरीन तरीके से, एक राउंड फिगर नंबर सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किया था, जो कि पीछे जा करके देखेंगे तो इसी के आसपास सपोर्ट लिया, वहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना करके अपर कैसेट निकला है। ठीक है, नीचे की सेट आया, इस तरीके से आया, रैली दिखाया, फिर अपर कैसेट गया, फिर नीचे की सेट आया और इस लेवल को ब्रेकआउट किया। यहीं पर आपका लिमिट ऑर्डर लग जाना चाहिए था, और ये वाला स्टॉप लॉस रहा था या फिर फाइनल स्टॉप लॉस आपका यही रहता, 1:2 का रेशियो को यहाँ से आराम से देखने को मिलता। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि तो कोई भी ऐसा स्विंग नहीं है जो पिछला स्विंग को ब्रेक किया, हर बार नया हाई बनाते हुए अपर कैसेट गया, और 1:2 का रेशियो आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाता। देखिए कल लास्ट जो हम लोग जो एनालिसिस किए थे उसके अकॉर्डिंग जो बहुत अच्छा यहाँ पर सेटअप बना भी, ट्रेड का प्लान जो हम लोग किए थे उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड करने का मौका बहुत अच्छा मिला। हम किए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड, दो ट्रेड किए थे, दोनों ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ। एक ट्रेड में टारगेट हिट हो गया, एक ट्रेड में टारगेट हिट होते वहाँ से निकालना स्टार्ट किया पर कैसे, तो वहाँ से हम एग्जिट पोजीशन को कर दी, उसमें भी लॉस नहीं हुआ, उसमें भी कुछ मेरा प्रॉफिट हुआ।
ठीक है, तो ट्रेड किए थे, बहुत अच्छा यहाँ यहाँ पर जो है रिजल्ट मिला। तो देखिए प्राइजेशन पे ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है कि आपको जो रैली जो बहुत बड़ा बड़ा कैप्चर करने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। बुलिश प्राइजेशन बनाना अगर चेंज करता है तो रैली जो है आपको बहुत बड़ा बड़ा देखने को हर बार वहाँ जो है आपको मिलता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमको जो है ट्रेड का प्लान करना था, ठीक है। अब चलिए सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा समझते हैं कि ऑप्शन चेन के डेटा में क्या बता रहा है, ठीक है। देखिए कल भी जो डेटा बता रहा था कि कल भी पूरा बेरिश डेटा बता रहा था, बेरिश सिग्नल मिला भी चार्ट, अगर हम लोग कल डिस्कस भी किए थे कि चार्ट देखिए डेटा बेरिश बता रहा है, अगर चार्ट भी वहां पर बेरिश बता रहा है, दोनों से एक साथ अगर कल किसन में एक्टिव होता है तो हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और बड़ी क्वांटिटी वहाँ पर हम लोग मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाद के सेशन में भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल रेटिंग है भी किया गया है, 43 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो बेचा गया है डीप इन द मनी में, यहाँ पर बेचा जा रहा है 810 पे अभी ट्रेड कर रहा था, 800 का जो है यहाँ पर कॉल बेचा जा रहा है, 805 का यहाँ पर कॉल बेचा जा रहा है, ओटीएम में भी यहाँ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। नज़दीकी ओटीएम जो है यहाँ पर बेचा जा रहा है और जो फार ओटीएम इन द मनी है उसको यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहा है, मतलब कि जो ओटीएम में पहले जो शॉर्ट किए थे जो 850 पे 860 पे वो लोग यहाँ पर जो लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, ठीक है। मिला जुला करके आज के सेशन में जो है कॉल रेटिंग हैवी हुआ है, डेटा पूरा यहाँ पर बेरिश बता रहा है, चार्ट यहाँ पर पूरा बुलिश बता रहा है, ठीक है। अब कल के सेशन में हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद चलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा तरफ, ठीक है। देखिए ए वाला जो है एक मेजर रेजिस्टेंस है और ए वाला जो है एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। इसी के अंदर हम जो लोग जो है बाइंग और सेलिंग का प्लान करना है, इसके ऊपर निकलना रहेगा तो बहुत ज़्यादा मार्केट स्ट्रगल करेगा इस पॉइंट पे जाकर के, ठीक है। या फिर इसके नीचे निकलना रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा इस पॉइंट पे आकर के, मतलब कि बुलिश प्राइजेशन बनाएगा या फिर बेरिश प्राइजेशन बना करके वो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि कल के समय हम लोग इस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, मार्केट इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, ठीक है। वो यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर सिर्फ सेलिंग 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 एक जगह खाली रिटेस्ट किया 15 के टेम्पन पे, ठीक है, सेलिंग सेलिंग आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट से निकला एक राउंड फिगर नंबर से निकला, आप लोग को पता होगा कि मार्केट सीधा सीधा निकलता नहीं इस तरीके से, ठीक है, या फिर इस तरीके से निकलता नहीं, वो रिटेस्ट करते हुए इस तरीके से इंपल्सिव इनकरेक्टिव इंपल्सिव इनकरेक्टिव इंपल्सिव इनकरेक्टिव करते हुए आपके सीधे निकलता है, ठीक है। इस पॉइंट पर देखेंगे कि यहाँ से निकला मार्केट, एक बड़ा मोमेंटम दिया, बड़ा रैली यहाँ पर किया है, ठीक है, बड़ा रैली यहाँ पर किया तो मार्केट सीधा सीधा निकल नहीं सकता। देखिए अगर इसी पॉइंट पे मार्केट खुलता है, ध्यान देना ध्यान देना, अगर मार्केट कल इसी पॉइंट पे खुलता है तो देखिए ये रिटेस्ट करने जरूर आएगा, रिटेस्ट करने कहाँ तक आ सकता है, इस फिबोनाची लगाना तो इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है, इस लेवल तक आ सकता है। रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता तो यहाँ पर बाय ऑन डिप के स्टेज पे काम करेंगे और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। या फिर इसके आसपास भी आ सकता है, यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बेरिश प्राइजेशन बनाता है, रुकता है, कंसोलिडेट करता है तो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये क्राउन फिगर नंबर है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर टाइम बिताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेरिश प्राइजेशन उसको जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। अपना सेटअप यही रहेगा कि इस पॉइंट पर आ करके 50% के लेवल का करेक्शन जो रहेगा, इस पॉइंट पर आकर के कुछ बुलिश प्राइजेशन बनाता तो हम लोग बाइंग डिप के स्टेज पर काम करेंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे आता है, अगर देखेंगे कि इस पॉइंट पे आकर के अगर इस पॉइंट पे आकर के इस पॉइंट खुलता है या अगर इस रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो यहाँ पर हम लोग सीधा जो है यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइजेशन बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, उसके पीछे भी लॉजिक है। फिर यहाँ देखेंगे कि एक लेवल ये है, ठीक है, यहाँ पर एक दिन का पूरा कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पर जो है एक दिन का पूरा कंसोलिडेशन जोन है। आप देखेंगे कि जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं वही चार्ट पूरा दुनिया देखती है, आप लोग को बस ये देखना है कि इस लेवल पर क्या यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल होता है। जो लोग यहाँ पर बाइंग करके किए होंगे, ठीक है, वो लोग को ये लेवल दिख रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर यहाँ पर बेरिश प्राइजेशन कुछ बनाता है, ठीक है, अगर एक्टिव होता है तो यहाँ पर बहुत तगड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, नीचे से बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पर सेल और राइज के स्टेज पे हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ इस पॉइंट पर यह सकता है कि इस पॉइंट पर गया और इस तरीके से आया, इस लेवल के आधे तक आया, यहाँ से करेक्शन लिया, यहाँ से फिर एक करेक्शन मोमेंटम आपको देखने को मिला, और यहाँ से फिर हम लोग बाय ऑन डिप के स्टेज पे काम करेंगे और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ चीज। और यहाँ पर जो है हम लोग है गैप डाउन और गैप अप में, और गैप डाउन में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप में हम लोग कुछ बेरिश प्राइस ढूंढने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे।
यप में अगर इस तरीके से कुछ हैमर के नलस्टिक या फिर बेरिश के नलस्टिक कुछ बनता है तो वहाँ पर हम लोग बिंदास सेलिंग करने के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और सेल ऑन राइज केमिस्ट्री पे नीचे साइड हम लोग काम करेंगे। देखेंगे कि इतना बड़ा मोमेंटम पहले से मिल चुका है, इतना बड़ा बायर के यहाँ पर मोमेंटम मिल चुका है, बायर को निकालने का मौका कहीं मिला नहीं है, कहीं रिटेस्ट किया नहीं है। अगर गैप अप खुलेगा तो बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉफिट को दिखेगा, ठीक है। अगर कुछ बेरिश प्राइस बनाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वहाँ से एक लॉन्ग एंड वार्निंग आपको देखने को मिलेगा और नीचे की साइड आपको जो है एक मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करेंगे। गैप अप खुलता है तो कुछ बेरिश प्राइस बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करेंगे, ठीक है। अगर गैपडाउन कहीं पे खुलता है, इस पॉइंट तक खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि इस पॉइंट पर आकर के कुछ बुलिश प्रेडिक्शन बनाता है इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पर बायोन डिप स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मार्केट देखिए इस तरीके से सीधा सीधा जाता नहीं है, मार्केट एक वे में क्रिएट करते हुए जाता है इस तरीके से, ठीक है। इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, ठीक है। तो अगर मार्केट में देखेंगे कि करेक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है टाइम का करेक्शन, एक होता है प्राइस का करेक्शन, ठीक है। तो देखेंगे इंपल्सिव ये हो चुका है तो टेम का करेक्शन यहाँ पे ले सकता है, टेम बिता सकता है इस तरीके से, ठीक है, या फिर प्राइस का करेक्शन यहाँ तक इस तरीके से ले सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आता है जहाँ पर प्राइस बनता है, कुछ बुलिश प्राइस बनता है, तो हम लोग बाइंग के सेट प्लान करेंगे, या फिर यहीं पर टेम बिता करके अपर के सेट ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर जाकर के बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पर इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। टेम का करेक्शन बिता करके अपर के सेट ब्रेकआउट करता है तो, ठीक है, क्लियर हो गया चीज। अब चलिए चलते हैं सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा में कि किस तरीके से आज हम लोग ट्रेड का प्लान किए थे। चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत अच्छा जो है चार्ट पैटर्न बना था, एक नंबर एकदम चार्ट पैटर्न बना था, क्या क्या है बताएं इसको, लाजवाब एकदम एकदम लाजवाब था। हर बार आपको बताते हैं कि चार्ट आपको पहले बता देगा कि किधर गिरने वाला है, नहीं गिरने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट खुला, अपर के सेट गया, करेक्शन लिया, ठीक है, एक लो बनाया, मतलब इस लो को रिस्पेक्ट दिया ए वाला लो, ठीक है। फिर अपर के सेट गया, फिर नीचे के सेट आया और इस लो को रिस्पेक्ट दिया ए वाला लो, ठीक है। और फिर अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब कि पहले हाई को ब्रेक कर रहा था, मतलब कि यहाँ पर इंपल्सिव इनकरेक्टिव, इंपल्सिव इनकरेक्टिव, इंपल्सिव, ठीक है, इस तरह से लगाते हुए इसको निकालना चाहिए था। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर अपर के सेट गया और यहाँ पर प्राइस फेल हो गया, प्राइस यहाँ पर फेल हो गया और इसी के लोग के आसपास यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, इसी लोग के आसपास आकर के यहाँ पर जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो अपने देखिए अपना भी यही था, इसके नीचे निकले और यहाँ पर रिटेस्ट करने जाए, इसी पॉइंट पे हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे निकला, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पर क्लोज किया और यहाँ पर इसके आसपास आया और यहीं से फिर रिटेस्ट किया, इस अपर के सेट गया और यहाँ पर मेरा लिमिट ऑर्डर था, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर मेरा लग गया और यहाँ पर जो है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लगा करके बैठे थे और इसके नीचे सेल ऑन राइज इस तरीके से बिना जो है यहाँ पर देखेंगे बिना बड़ा रिटेस्ट के यहाँ पर जो है धीरे 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 नीचे सेट गिरता चला गया और इस पॉइंट पे जो था इस पॉइंट पे हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए। ये देखिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन था, हो सकता है यहाँ से बुलिश प्राइसन बना करके ऊपर सेट निकल सकता है, इसलिए जो है मेरा 1:2 का मेरा टारगेट भी मेरा हिट हो गया था, इसलिए यहाँ पर हम पोजिशन को एग्जिट किए और उसके बाद मार्केट को हम यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। एक ट्रेड में हम यहाँ पर इस तरीके से किए थे, कल भी इस ए वाला सेटअप पे कल भी हम बात किए थे और बहुत बड़ा सेलिंग आपको देखने को भी मिला, ठीक है, SBI में कि ए वाला सेटअप बनता है तो यहाँ पर जो है नीचे स्टेप डाउन करेगा तो सेलिंग बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा और आज किसी ने मिला भी और सेम टू सेम करेक्ट आज भी यहाँ पर देखने को मिला बैंक ऑफ बड़ौदा में, हम से यहाँ पर सेलिंग किया, बहुत बड़ा मोमेंटम आपको जो है देखने को मिला, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से प्राइस यहाँ पर काम करता है, कितना बेहतरीन तरीके से जो है प्राइस यहाँ पर काम करता है, ठीक है। देखिए सेलिंग आया, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, अपर के सेट गया, सब स्विंग को तोड़ दिया, सब स्विंग को तोड़ दिया, मतलब कि बायर यहाँ पर पहुँच गया या फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। अपर के सेट गया, इस तरीके से गया, यहाँ पर कुछ बेरिश प्रेशर बनाया, फिर नीचे सेट आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न जो है इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की इस तरीके से कोशिश कर रहा था, ठीक है। इसी पॉइंट पे गया, इस पॉइंट पे गिर था नीचे सेट, तो हम आइडेंटिफाई हम किए थे कि इस पॉइंट पे अगर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग का प्लान करेंगे और टारगेट यहाँ तक हम रखेंगे, ठीक है। लेकिन देखेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीका से आया यहाँ पे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस तरीके से, और एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया। और देखिए हम मेरा बाइंग ऑर्डर कहाँ पे, इस पॉइंट पे मेरा बाइंग ऑर्डर था, बाइंग ऑर्डर मेरा ये था और फाइनल स्टॉप लॉस मेरा ये वाला था 59 रुपया का, जो है जो 59 रुपये का है, 259 का जो लेवल था यही पर जो है मेरा 259
हाँ 259 का जो लेवल है यहीं पर मेरा फाइनल स्टॉप लॉस था और इसके ऊपर बायो निफ्टी स्टेज पे काम करना था और ये वाला मेरा टारगेट था 62 रुपया का, 62 रुपये का जो है 262 का मेरा जो है टारगेट था, 1:2 का मेरा रेशियो आराम से मेरा हिट हो गया। इसके ऊपर जो है बायो निफ्टी स्टेज पे इस तरीके से काम करना था। देखिए कितना अच्छी तरीके से प्राइजेशन काम करता है, प्राइजेशन जो है कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखेंगे इस हाई को रिस्पेयर दिया, नया लो लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे सीधा से नीचे सीट गिरा, अब फिर अपर के सेट गया, इस साइड को रेस्पेड दिया, नीचे की सीट आया लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया और फिर जाकर के इस साइड को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होगा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इसके ऊपर हम लोग बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे इस तरीके से काम करना है, ठीक है। देखिए हम लोग हर बार समझाएं कि करेक्शन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है इंपल्सिव यानी करेक्टिव लिया, प्राइस का करेक्शन नहीं टाइम का करेक्शन था, ब्रेकआउट किया, मोमेंटम आपके साथ देखने को मिला। बस आपको चार्ट को समझना है कि चार्ट आपको क्या बताना चाहती है, बस आपको उस समय फील करना है चार्ट को जो है फील करना है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग को बता दें कि आप लोग को हर कोई बता देगा, आप लोग को जो है हर कोई बता देगा कि इसके लेवल ऐसे नीचे निकला तो हम लोग सेल करेंगे, इसके ऊपर निकला तो बाइंग करेंगे। एक यहाँ पर आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर थे, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा ट्रेडर है वो, ठीक है, उसे भी हम जो है उससे भी बहुत वो ट्रेडर से हम भी बहुत चीज सीखे हैं। उनका पूरा नाम नहीं बताना चाहूँगा, बस इतना बता दूंगा कि वो जादव जी थे, ठीक है, उसे हम बहुत चीज़ सीखे हैं। उस चार्ट को जो है फील करना बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं कि चार्ट प्राइसिंग किस तरीके से काम करता है, नहीं काम करता है, ठीक है। वो बताते थे कि इसके ऊपर यहाँ पर एक मोमेंटम आने वाला है, वो बताते भी थे और मोमेंटम आता भी था, ठीक है, इसके ऊपर जाता था भी था, मोमेंटम आता थे, बताते थे कि यहाँ से गिरेगा नहीं मार्केट, यहाँ से गिरता भी था, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर फिर भी लॉस में थे, बहुत लोग यहाँ पर फिर भी लॉस में थे। क्यों लॉस में थे बताने कि लॉस में वो लोग क्यों थे, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग बताना लॉस में क्यों थे वो लोग, ठीक है। देखिए उनके पीछे एक कारण था जो मेरे पास जो मेरे साथ पहले हो रहा था, ठीक है, कि एक सेटअप पे लोग काम नहीं करते, इसके ऊपर तो निकला लेकिन क्या वो मेरा सेटअप एक्टिव होकर के निकला, ठीक है, इसके नीचे निकला क्या मेरा सेटअप एक्टिव उसमें हुआ था कि नहीं हुआ था, बस इस चीज़ को आइडेंटिफाई वहाँ पर करना है। हमने बता दिया कि यहाँ से इस तरीके से बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे हम लोग को जो है काम करना है। तो क्या यहाँ पर जो है आपका इनसाइड कैंडल, आपका बुलिश इंगल्फिंग, क्या आपका जो है एक स्ट्रेटजी रहता है आपका वहाँ पर एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो चीज़ एक्टिव हुआ तो यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है, अगर नहीं एक्टिव हुआ तो वहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है, आपको वहाँ ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अगर ट्रेड का प्लान ट्रेड एक्टिव हुआ ट्रेड मिला भी अगर वहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया तो गुड लॉस हुआ और वहाँ से आँख बंद करके सीधा निकल जाना है, दूसरा ट्रेड वहाँ पर मार्केट में आपसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसी तरीके जो होता है हर कोई लेवल बता देगा, लेकिन हर कोई लेवल बता देगा हर चीज़ आपको बता देगा, लेकिन आपका जो है अपना स्ट्रेटजी अपना सेटअप आपको जो है बनाना पड़ेगा, दूसरे का कॉपी आपको जो है नहीं करना है, ठीक है। बहुत अब इतना सारा ट्रेडर देखे होंगे, बहुत जो है हिंदुस्तान में ट्रेडर है, आप कभी देखें कि एक ही स्ट्रेटजी पे जो है लोग सब लोग काम करते हैं, इतना बड़ा बड़ा ट्रेडर है, क्या एक दूसरे को कॉपी किया, नहीं, सब अपना अपना स्ट्रेटजी बनाए और उसी स्ट्रेटजी को लगातार प्रोसेस को जो है वहाँ पर फॉलो किए हैं और बहुत बड़ा बड़ा लोग प्रॉफिट बुकिंग किए हैं और बहुत बड़ा बड़ा लोग ट्रेडर भी बन चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आता होगा कि किस तरीके से जो है मार्केट में सर्वाइव करना है और ये छोटा छोटा लॉस लेकर के बड़े बड़े प्रॉफिट को हम लोग को जो है बुक करना है, ठीक है। पहले चीज़ इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सीखिए और समझिए। अगर कुछ सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको तुरंत रिप्लाई करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। अरुण भाई साहब की जरूर हम बोलेंगे जो कल बोल रहे थे कि लॉन्ग बाय भाई साहब हम लोग इंट्राडे वाले हैं, बता दे रहे हैं आप लोग को, बस अपने सेटअप पर बिलीव करते हैं, सेटअप बन गया एक्टिव मारो ट्रेड को जो है तुरंत लगा और वहाँ से प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट लेकर के निकलो, लॉस मिलता है लॉस लेकर के निकलो और दूसरा ट्रेड नहीं करो। मार्केट 1000 पॉइंट एक दिन में भी निकल जाता अपना कुछ उसमें लेना देना नहीं है जब तक अपना सेटअप बनता नहीं है तब तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।